इसका तुम भी आ जाओ, तुम खींच के तुम्हें दे देंगे। पकड़े आप सेंटर में हो या इधर हो जाओ, आप आ नहीं रही। नहीं नहीं हाँ ऐसे साथ लगवा लो। ओके रहिए जी शाह साहब। क्या है सबसे पहले आप लोगों का बहुत शुक्रिया। और हम उसको और प्रॉपर इस एग्जीबिशन को शायद हमारे जैसे कि एक सीनियर थे, उनके दोस्त भी थे, और उनके लिए ये एग्जीबिशन एक तरह से उनके उनका ट्रिब्यूट भी है। और आर्ट्स काउंसिल न सिर्फ ये कि इनकी जो इनकी जो स्केचेज हैं बहुत ही रिमार्केबल हैं, और उसकी बड़ी हेरिटेज वैल्यू भी है।
एक्सपेरिमेंट करता है, लेकिन इनका जो काम है खासकर जो इन्होंने इलस्ट्रेशंस बनाई, मुझे याद है जब 20 साल पहले जब मैं डायजेस्टो में तस्वीर बनाता था तो शायद बहुत सीनियर और बहुत ही एक रिमार्केबल आर्टिस्ट, क्योंकि एक ही मीडियम था डाइजेस्ट या मैगजीन्स, और उसमें जो आर्टिस्ट सक्सेसफुल थे उनमें चली नाम थे हमारे उस्ताद अकबर नदी साहब भी डाइजेस्टो में ही, उन्होंने इनाम राजा ने अपने डाइजेस्टो में काम किया, और शायद इस इन तीन नामों के अलावा चौथा नाम और दूर तक दिखाई नहीं देता था उस समय, और बड़ी मेहनत से बहुत ही कमाल के। अभी चूँकि वक्त और ज़माना गुजरने के साथ उसकी अहमियत, उस इलस्ट्रेशन की अहमियत उस तरह से नहीं रही जैसे बाहर होता है, जैसे फॉर इंस्टेंस रिवेट डाइजेस्ट का जो इलस्ट्रेटर आर्टिस्ट है उसकी भी उतनी अहमियत होती है जिस तरह से दूसरे संगीत आर्टिस्ट होती है या फाइन आर्ट करने वाली होती है, हमारे यहाँ उस तरह की जरूरत आई है। बार हम ना सकिए कि शायद एग्जीबिशन के जरिए उनको एक छोटा सा ख्याल देते हैं, और यहाँ आगे भी कुछ और भी काफ़ी कुछ करेंगे। विशाल साहब से ये पिछले साल ही मेरे साहबा और इनकी बेटियाँ आई थी और इन्होंने बताया, फिर उन्होंने फंसी को लगाया काम का ले गया है और इतना खूबसूरत काम है, बदकिस्मती से अब हमारे दरमियान नहीं है, तो अभी मैं और परवर हमारी फाइन आर्ट कमेटी के चेयरमैन हैं, शायद साहब हमारे आर्ट स्कूल के प्रिंसिपल और दोनों बहुत मारूफ पेंटर भी हैं, तो इनकी मशावरत से हम इस एग्जीबिशन का एक तो लेके हमने प्लान बनाया कि उनकी बिल्डिंग्स इन्होंने बनाई हुई हैं बहुत खूबसूरत, उनके इलस्ट्रेशन हैं जिसके हम लोग पोस्ट कार्ड भी छापे हैं और कुछ और भी इस तरह की चीज़ें सोच रहे हैं जिससे कुछ फाइनेंशियल भी सूरत हाल इसमें से कुछ निकल के आए उनकी फैमिली के लिए और उनका काम भी प्रिजर्व हो जाए और बाकी रहे। तो जैसे शायद ने कहा कि ट्रिब्यूट है, कैसे आदमी ने सारी ज़िंदगी आर्ट के अलावा कुछ नहीं किया, और ट्रिब्यूट के साथ साथ फैमिली को भी कुछ ना कुछ सपोर्ट जानी चाहिए, और वो इंशाल्लाह भावी हम करेंगे ज़रूर, वो कोई वो नहीं है, वो हक है शायद का और वो हम ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू। और खासतौर पर जो फैमिली की सपोर्ट करें शायद का उसकी वजह से और आर्ट काउंसिल की कॉर्पोरेशन से ये सक्सेसफुल हुई है, लेकिन